आज मैं आपके लिए वीगन क्रीम चीज की रेसिपी लेके आई हूँ, जिससे आप घर पर ही बाजार जैसे चीजी सैंडविचेस और अपने गेस्ट के लिए आसान क्रीम चीज क्रैकर्स बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीगन क्रीम चीज है उसे मैं सोयाबीन्स के साथ बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक कप सोक्ड सोयाबीन्स लिए हैं, जिसे मैंने रात को पानी में भिगोकर रख दिया था। एक कप सोक्ड सोयाबीन्स को 4 कप पानी के साथ मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे और तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक सोयाबीन के दाने अच्छी तरह से मिक्सी में पिस नहीं जाते। अब इस सोय मिल्क को एक साफ कपड़े से छान लेंगे और पल्प को अलग कर लेंगे। जो सोय रेसिड्यू है आप इसे फेंकिए मत, इससे आप और बहुत स्वादिष्ट रेसिपीज बना सकते हैं। उन रेसिपीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। अब दूध को एक पैन में ट्रांसफर कर लेंगे और मीडियम हाई हीट पर लगातार हिलाते हुए तेज गर्म कर लेंगे। जब दूध बढ़िया से गर्म हो जाए तो उसमें 2 बड़े चम्मच नींबू का रस डालेंगे और हल्के हाथ से हिलाते रहेंगे। दूध 3 से 4 मिनट में फट जाएगा। अब फटे दूध को एक कपड़े में छानकर साफ पानी से धो लेंगे और अच्छे से सारा पानी निचोड़ लेंगे। अब इस पनीर को मिक्सी में थोड़े से नमक के साथ ग्राइंड कर लेंगे। अगर पनीर आपको थोड़ा ड्राई लग रहा हो तो 1-2 चम्मच पानी के डाल लीजिए और पनीर को बिल्कुल स्मूथ होने तक ग्राइंड करिए। बस हो गया वीगन क्रीम चीज तैयार। इस वीगन क्रीम चीज को आप सैंडविचेस में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बच्चों और बड़ों की पार्टी के लिए क्रीम चीज क्रैकर्स बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसी कई स्वादिष्ट रेसिपीज़ के लिए आप पीपल फार्म वीगन किचन चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।